ओम सैराम दोस्तों, चाम्स किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं बीट रूट लीव्स की और भी हेल्दी रेसिपी लेके आपके पास आऊंगी। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाएंगे बीट रूट लीव्स के मुठिया, जो खाने में बहुत टेस्टी तो है ही, साथ साथ में ये हेल्दी भी है। तो चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। मुठिया बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप जितना बीट रूट लीव्स, धो के इस तरह से चॉप करके ले लिया है। मेरे पास थोड़ी सी मेथी भी पड़ी थी तो मैंने उसको भी इसमें ऐड कर ली है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 3/4 कप जितना व्हीट फ्लोर, ये थोड़ा सा मोटा वाला है, जो भाकरी फ्लोर मिलता है वो भी हम यूज कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे मैंने लिए आए हैं किनोवा और ओट्स। ये किनोवा और ओट्स है, ओट्स और किनोवा को मैंने पहले रोस्ट कर लिया, फिर उसको ठंडा करके मिक्सी जार में इस तरह का दरदरा सा कोर्स पाउडर बना लिया। दोस्तों मेरे पास ये 3 कलर का किनोवा था, आपके पास अगर 1 कलर का भी है तो भी आप वो ले सकते हो। फिर हमें चाहिए 2 टेबलस्पून जितनी सूजी। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून जितना लेमन स्क्वीज, सॉल्ट डालेंगे स्वाद के अनुसार। फिर यहाँ पे 1 टीस्पून जितना मैंने जिंजर एंड चिली को क्रश करके लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने शुगर ली है, 1 टीस्पून जितना अजवाइन, थोड़ा सा बेकिंग सोडा हम इसमें डालेंगे। फिर ऊपर हम तड़के के लिए बे लीफ, रेड चिली, थोड़े से करी लीव्स और व्हाइट तिल यूज करेंगे, और इसमें से हम थोड़े से ड्राई मसाले यूज करेंगे। सबसे पहले हम एक बाउल में ये सारे लीव्स डाल देंगे। फिर इसके अंदर व्हीट फ्लोर, अब डालेंगे किनोवा और ओट्स का पाउडर, सूजी, बेसन फ्लोर डालेंगे, शुगर डाल देते हैं, चिली एंड जिंजर, अजवाइन, सोडा डाल देंगे। इसमें से हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेंगे और कोरिएंडर। मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर नहीं डालूंगी क्योंकि हमने ग्रीन चिली डाली हुई है, वो भी तीखी है। अब हम सॉल्ट डालेंगे स्वाद के अनुसार। फिर ये लेमन जूस। अब हम सारी चीजों को अपने हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। फिर हम जरूरत के हिसाब से पानी डाल के सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ज्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है हमें, थोड़ा सा पानी लेके सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने सॉफ्ट डो रेडी कर लिया है। अगर आपको लगे कि इसमें कुछ थोड़ा सा आटे की जरूरत है तो आप कोई भी आटा इसमें ऐड करके इस तरह से डो रेडी कीजिए। अब दोस्तों मैं अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेके इस तरह से ग्रीस कर लूंगी। फिर इसमें से हम थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरह से हम इसके मुठ्ठे बनाएंगे। बहुत ज्यादा थिक भी नहीं बनाएंगे और बहुत ज्यादा पतले भी नहीं बनाएंगे। इस तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे। हमने सारे मुठिये रेडी कर लिए हैं, अब इसको हम स्टीम कर लेंगे। यहाँ पे मैंने स्टीमर में पानी रख के गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर हम ये सारे मुठिये रख देंगे।
हम इसको बंद करके 20 मिनट तक कुक कर लेंगे। हमारे मुट्ठी हो गए, हम इस तरह से चप्पू डाल के देख लेते हैं, ये पूरा क्लीन आ रहा है, तो हमारे सारे मुट्ठी प्रॉपर कुक हो गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने सारे मुट्ठियों को निकाल लिया है, अब हम इसको पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रखेंगे, फिर कट करेंगे। ये पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं, अब हम इसको कट कर लेते हैं। आप इसको छोटे या बड़े टुकड़ों में काट सकते हो। सभी को हम इस तरह से कट कर देंगे। हमने कट कर लिया है, अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लेके गरम होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब इसके अंदर हम क्यूमिन एंड मस्टर्ड सीड डालेंगे पहले। अब इसके अंदर हम बे लीफ, रेड चिली, करी लीव्स और व्हाइट चिली डालेंगे। सारी मुट्ठी डाल देते हैं। अब हम इसे अच्छे से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके ऊपर हम थोड़े से कोरिएंडर लीव्स और डेसिकेटेड कोकोनट डाल के गार्निश करेंगे। बीटरूट लीव्स मुठिया बन के बिल्कुल रेडी है। ये खाने में टेस्टी तो है ही, साथ साथ में ये हेल्दी भी है। तो दोस्तों, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइए, और अगर मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलेंगे एक फिर नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।